हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, ये डीएलएड संबंधी महत्वपूर्ण सूचना आ रखी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देखिए, जो भी अभ्यर्थियों ने डीएलएड फॉर्म अप्लाई किया है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो डीएलएड करने के इच्छुक हैं उनसे संबंधित ये अपडेट है। फॉर्म मांगे गए थे आपसे 28 सितंबर तक। ये विंडो जो आपने आवेदन किया था वो क्लोज हो चुकी है। अब ये नई विंडो ओपन हुई है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में कोई भी गलत त्रुटि हो गई है या थोड़ी मिस्टेक हो गई है या जान या अनजाने में कोई त्रुटि कर दी गई है, तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। आप क्या कर सकते हैं, आप 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। ये आपके लिए आवेदन विंडो संशोधन ओपन हो चुकी है, आप संशोधन कर सकते हैं। आपको 1 से लेकर 3 तारीख तक का टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। आप इस बीच कभी भी अपना आवेदन ओपन करके उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, आपको नॉर्मल प्रक्रिया है। आप अपने आवेदन को ओपन कीजिए और यहाँ भी आपको लगता है कि मेरी यहाँ पर त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। ये संशोधन का मौका है। इसके बाद में कोई संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपका नवंबर में एग्ज़ाम भी होना है। आपका नवंबर में एग्ज़ाम की तैयारी बनाए रखें, आप अच्छी तरह ये एग्ज़ाम दें। इसमें देखिए, माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपने मुझसे पूछा था किसी अभ्यर्थी ने कि सर इसमें क्या माइनस मार्किंग होती है, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप लोग पूर्ण सुनिश्चित होकर ये जाइए कि आपको पेपर देना है और इसमें किसी प्रकार की कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें सामान्य ज्ञान और अन्य संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अपने अच्छी तरह पेपर दीजिए, जिसका भी होता है उसको फिर प्रवेश होते प्रशिक्षण के लिए प्रवेश मिल जाता है और अपना कॉलेज आवंटन हो जाता है जहाँ पर आपको प्रशिक्षण लेना है। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद।